नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के डिस्कशन में मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, टैक्सेशन ऑफ बोगस शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम एंड पर्टिकुलरली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द केस ऑफ एनआरए आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड। मैटर क्या है सर, जरा इसको समझने का कोशिश करिएगा कि कॉरपोरेट्स में कभी कभी ऐसा भी प्रचलन में देखा गया है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक्स की एक कंपनी है, एक्स प्राइवेट लिमिटेड, और एक्स के पास में कुछ कैश अमाउंट पड़ी है जिसको वो इंट्रोड्यूस करना चाहता है अपनी कंपनी में, जो नेचुरली वो नहीं कर सकता है सच जब तक कि उसका वो कैश कोई डिस्क्लोज सोर्सेज का कैश ना हो। तो सर कुछ ऐसी कंपनियां भी मार्केट में एक्टिव रही हैं पास्ट में जिन्होंने इस प्रकार की एंट्रीज उपलब्ध कराई इन टर्म्स ऑफ के उस कंपनी के पास, मान लीजिए दूसरी कंपनी है वाई लिमिटेड, वाई लिमिटेड के पास में कुछ एक नंबर में यानी बैंक के अकाउंट के अंदर पैसा पड़ा है और वाई लिमिटेड इस पर्टिकुलर एक नंबर के पैसे को एक्स लिमिटेड में शेयर के फॉर्मेट में इंट्रोड्यूस कर रही है और एक्स लिमिटेड जो वाई लिमिटेड को शेयर कैपिटल रिसीव कर रही है उसके बदले कैश दे देती है और एक नंबर में पैसा रिसीव कर लेती है। तो ऐसे कुछ रैकेट सर मार्केट में रहे जिनकी वजह से बोगस शेयर कैपिटल का टैक्सेशन या फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा पे इशू किए गए शेयर प्रीमियम को इनकम टैक्स के राडार पे लाया गया। इस संदर्भ में सर जो विशेष व्यवस्था की गई है लॉ में वो सेक्शन 68 में की गई है। मैं सर यदि सेक्शन 68 की एक बेयर रीडिंग आपके रेफरेंस के लिए करूं तो वो ये कहता है, वेयर एनी सम इज फाउंड क्रेडिटेड इन द बुक्स ऑफ एन असेसी मेंटेन फॉर एनी प्रीवियस ईयर एंड द असेसी ऑफर्स नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर एंड सोर्स देयर ऑफ और द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय हिम इज नॉट इन द ओपिनियन ऑफ असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फैक्ट्री द सम सो क्रेडिटेड मे बी चार्ज टू इनकम टैक्स एज इनकम ऑफ द असेसी ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। अब इसका मतलब समझिएगा सर, नंबर वन असेसी की बुक्स में एक सम फाउंड क्रेडिटेड हुई, असेसी से जब पूछा गया कि क्रेडिट कहां से आई तो असेसी उसका या तो एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाया कि साहब नेचर एंड सोर्स क्या था उस क्रेडिट का, या असेसी ने जो एक्सप्लेनेशन ऑफर किया वो असेसिंग ऑफिसर के ओपिनियन में सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 68 ये कहता है कि इस पर्टिकुलर क्रेडिट की राशि को असेसी की इनकम में जोड़ा जा सकता है। तो अब मैं इसे पुनः अपने एक्स लिमिटेड के उदाहरण पे लेकर के जाता हूं कि एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से शेयर कैपिटल के 50 लाख रुपए रिसीव किए। ये 50 लाख रुपए के बारे में एक्स लिमिटेड स्पष्ट रूप से वाई लिमिटेड की डिटेल्स नहीं बता पा रहा है, वाई लिमिटेड की इनकम के सोर्सेज नहीं प्रूव कर पा रहा है, या वाई लिमिटेड के संदर्भ में जो भी और एक्सप्लेनेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेटिस्फेक्शन होने के लिए चाहिए वो स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। तो क्या होगा सर, ऐसी परिस्थिति में सेक्शन 68 का ट्रिगर ऑन होगा और एक्स लिमिटेड के हाथ में ये पर्टिकुलर राशि मोस्ट प्रोबेबली जोड़ दी जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो मैंने आपको कोट किया सर, एनआरए आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड में आया, उसमें क्या बातें डिस्कस की गई, क्योंकि ये मैटर नया नहीं है सर, पहले भी सुप्रीम कोर्ट इन विषय पर अपने निर्णय दे चुका है। तो जो यहां पर असेसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असेसी इज अंडर अ लीगल ऑब्लिगेशन टू प्रूव नंबर वन द जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजेक्शन, नंबर टू आइडेंटिटी ऑफ द क्रेडिटर, नंबर थ्री क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इन्वेस्टर हु हैज इन्वेस्टेड इन द रिलेवेंट असेसीज शेयर कैपिटल। एंड ये यदि असेसी ने अपनी ओर से कर दिया है, क्या कर दिया है, एक जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन यानी बैंकिंग एक्टिविटी, नंबर दो आइडेंटिटी ऑफ द क्रेडिटर, नंबर थ्री क्रेडिट वर्दीनेस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में इंफेसिस दिया गया है कि एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड से जब पैसा रिसीव किया तो उसने वाई लिमिटेड के वेयर अबाउट्स दे दिए, वाई लिमिटेड का पैन दे दिया, वाई लिमिटेड की रिटर्न भी बता दी। अब वाई लिमिटेड की रिटर्न में इनकम आ रही मात्र 50,000 और वाई लिमिटेड ने इन्वेस्टमेंट कर दिया एक्स लिमिटेड में 50 लाख, तो फिर सुप्रीम कोर्ट बोला साहब कि इतना डिफरेंस जो आ रहा है वो हमारे को डाइजेस्ट नहीं होता है। सो दिस काइंड ऑफ मैटर स्टिल इन द ओपिनियन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अ मैटर ऑफ एडिशन इन द हैंड्स ऑफ द असेसी एंड इन माई केस इट वुड बी एक्स लिमिटेड। सो अगर असेसी ने अपना ये ऑनेस्ट डिस्चार्ज कर दिया कि उसने
अपनी ओर से सामने वाले की जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजेक्शन प्रूव कर दी, आइडेंटिटी ऑफ क्रेडिटर प्रूव कर दिया और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस भी प्रूव कर दी। अब सर जो ट्रिगर है वो असेसिंग ऑफिसर के ऊपर चला जाएगा, क्या दैट असेसिंग ऑफिसर विल नाउ बी ड्यूटी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ क्रेडिटर, ही विल वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ सब्सक्राइबर एंड ही विल असर्टेन वेदर द ट्रांजेक्शन इज जेन्युइन और इट इज अ बोगस एंट्री काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। सो इफ द असेसिंग ऑफिसर finds that assessee has firstly discharged his particular obligation, then it is his duty to discharge his particular obligation also. तो सर हमें दो बातें ध्यान रखनी है इन bogus transactions में, कि assessee को भी अपना honest discharge करना है और यदि honest assessee ने discharge कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में assessing officer को भी अपना honest discharge करना है। यदि इन दोनों में से असेसी अपना ऑनस डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा तो एडिशन होगा, और असेसी ने अपना ऑनस डिस्चार्ज कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में असेसिंग ऑफिसर को भी देखना होगा कि वह अपना ऑनस डिस्चार्ज करे। यदि वह अपना ऑनस डिस्चार्ज नहीं करेगा तो असेसी के हाथ में उसके द्वारा किया गया एडिशन रिमूवेबल होगा। सो सर इन कंक्लूजन आई मे से इफ द इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन रिवील दैट आइडेंटिटी ऑफ क्रेडिटर्स इज ड्यूबियस और डाउटफुल or there is lack of credit worthiness by the assessing officer inquiry, then the genuineness of transaction would not be said to be established, and in such a case assessee would not be said to have discharged his liability and the addition as per section 68 will happen. But in otherwise situation, the addition made under section 68 shall not prevail. So this is the conclusion of the Supreme Court judgment, which I try to bring for your information, because I know in professional capacity, number of chartered accountants, tax advocates might be facing the bogus entries related allegations by the department. So this kind of discussion might be helpful for them for attending these kind of matters. So this is all on this matter from my side. Thank you for listening to me. I'll try to come again with such an interesting topic in near future even.